गृह मंत्री तामदास साहू के जन्मदिन पर छात्रों को निःशुल्क आंखों का चश्मा मिठाई खिलाकर मनाया। गृह मंत्री तामदास साहू के 75वें जन्मदिन के अवसर पर लोकसभा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अय्यूब खान ने रविवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर होनहार छात्रों को निःशुल्क आंखों का चश्मा, मिठाई खिलाकर एवं जिला अस्पताल दुर्ग में दूध, फल और बिस्किट वितरण कर मनाया गया। इसी कड़ी में अय्यूब खान ने बताया कि गृहमंत्री तामदास साहू जी का जन्मदिन को सेवा कार्य, सामाजिक कार्य कर मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके ग्रामीण अंचल के छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज एकत्र कर ग्रामीण अंचल के होनहार विद्यार्थियों को आंखों की निःशुल्क जाँच कराकर जिसमें 107 में दोष पाया गया था, जिसे गृहमंत्री तामदास साहू जन्मदिन के अवसर पर निःशुल्क वितरण किया गया और साथ ही दुर्ग जिले के शासकीय अस्पताल पहुंचकर फलों का वितरण किया गया। इस मौके पर अय्यूब खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तामदास साहू जी का आज 75वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग सुबह घनौरा में युवाओं का निःशुल्क जो जांच आंखों का जांच शिविर कराया गया था और लगभग 107 लोगों का आंखों में वो पाया गया था, तो उनके कम और ज़्यादा दूरियों को जो तुमको चश्मा लगता है उनका चश्मा का वितरण किया गया। और उसके बाद दुर्ग जिला के शासकीय जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड में हम लोगों ने युवा साथियों के साथ पहुंचकर जच्चा बच्चा वार्ड में दूध की पैकेट, फल, बिस्कुट का वितरण किए हैं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की योजना का प्रचार किए हैं। साथ ही तामदास साहू जी के उज्जवल भविष्य की कामना किए हैं और आने वाले समय में वो स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और इस प्रदेश की सेवा करते रहे, यही हम लोगों ने कामना की है। मैं अय्यूब खान, दुर्ग लोकसभा युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।